हेलो फ्रेंड्स, चलिए इलस्ट्रेशन नंबर 9 देखते हैं। आपके स्टडी मटेरियल का है सिक्योरिटी वैल्यूएशन का। प्लीज देखिए, ये लिमिटेड अर्निंग पर शेयर ₹10 एंड ग्रोथ रेट ऑफ अर्निंग 4%। इन्होंने ईपीएस आपको लिखी है ₹10 और ग्रोथ ऑफ ईपीएस आपका ₹4% दिया हुआ। द अर्निंग एंड ग्रोथ आर एक्सपेक्टेड टू द स्टे एट दिस लेवल नियर फ्यूचर। इसी लेवल पे आपको फ्यूचर तक होगा। इफ द पे आउट रेशियो 55%, डिविडेंड पे आउट रेशियो आपके 55% है और कॉस्ट ऑफ इक्विटी 15% है। व्हाट इज द करंट मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर। आपको अभी की मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर क्या होगा तो सुनिएगा। आपका ईपीएस इतना है और डिविडेंड पे आउट रेशियो आपकी 55% है, तो डिविडेंड पर शेयर कितना हो जाएगा? 55% ऑफ ₹10, ये आपको 5.5 हो जाएगा। तो ये तो करंट का डिविडेंड हो गया। तो डी वन कितना होगा? डी जीरो वन प्लस जी। तो आपको यहाँ पे 4 दिया हुआ है ग्रोथ रेट, तो यहाँ पे 5.5 वन प्लस 0.04, तो कितना हो जाएगा प्लीज बताएंगे। 5.5 इंटू 1.04 तो ये हो जाएगा रुपीज 5.72 हो जाएगा, 5.72 हो जाएगा। अब आपको करंट मार्केट प्राइस पूछी गई है पी जीरो, तो पी जीरो का क्या फॉर्मूला बन सकता है बताइएगा। डी वन के माइनस जी, तो डी वन आपके पास कितना हो गया 5.72, के ई कॉस्ट ऑफ इक्विटी आपको 0.15 दिया हुआ है, ग्रोथ रेट आपका 0.04 दी हुई है, तो डिवाइड 0.11, तो ये आपका प्राइस हो जाएगा 52 रुपीज प्राइस हो जाएगा करंट प्राइस। अब आपसे क्वेश्चन ये पूछी गई, व्हाट विल बी द प्राइस ऑफ द अबव मेंशन स्टॉक आफ्टर 3 ईयर, 3 साल के बाद प्राइस क्या होगा। तो आपको हर एक आपको 10% से इंक्रीज कर रहा है, सॉरी 4% से इंक्रीज कर रहा है, तो ये फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया ए पार्ट का, और बी पार्ट का आंसर प्राइस कैलकुलेशन ऑफ प्राइस आफ्टर 3 ईयर्स। तो आपका एक बात बताइए, ईपीएस फोर्थ ईयर का क्या होगा, फोर्थ ईयर का ईपीएस क्या होगा? फोर्थ ईयर का ईपीएस होगा ₹10, 1 प्लस 0.04, 4 साल ग्रोथ होगा। तो यहाँ पे 1.04 इंटू इंटू 10, तो ये आपका आ जाएगा रुपीज 11.698 ए। तो डी फोर कितना हो जाएगा? डी फोर 55% डिविडेंड पे आउट रेशियो, 55% ऑफ रुपीज 11.698 इंटू 0.55। अब आपके पास हो जाएगा रुपीज 6.43, ये आपका 6.43 डी फोर हो गया। अब आपको क्या निकालनी है, पी जीरो निकाल पी थ्री निकालनी है। पी थ्री के लिए डी फोर, यहाँ पे के ई माइनस जी होता है, तो डी फोर में कितना हो जाएगा 6.43, के ई कॉस्ट ऑफ इक्विटी, तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी आपके पास कितनी है भाई, क्वेश्चन में दिया हुआ है 0.15, ग्रोथ रेट आपको दी हुई है 0.04, तो डिवाइड 0.11 आपको करेंगे तो रुपीज 58.49 ये आपका आंसर हो जाएगा, 58.49। अब इसकी आंसर चेक करते हैं आप, ये 58.49 है और ये 52 है, आंसर क्लियर हो गया। अब आपको नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे ये वाली क्वेश्चन, ये वाली क्वेश्चन पेज नंबर 272 में है, देखिएगा। अकाई लिमिटेड लेटेस्ट क्वेश्चन नंबर 10 है,
अकाई लिमिट लेटेस्ट डिविडेंड रुपीज 1.20 मीन्स डी जीरो आपकी 1.25 है वॉज पेड स्टार्ट एंड मेंटेन हिस्टोरिकली 7% ग्रोथ रेट हमेशा 7% ग्रोथ रेट होता है. यू प्लान टू परचेज द स्टॉक टूडे आज अभी आप परचेज करना चाहते हैं बिकॉज यू बिलीव दैट द डिविडेंड ग्रोथ रेट विल इंक्रीज बाई 8%. आप ये जूम करते हैं आप माइंड में सोचते हैं कि 7% ग्रोथ नहीं होगा अब ग्रोथ 8% होगा नेक्स्ट 3 ईयर एंड सेलिंग प्राइस थर्ड ईयर का रुपीज 40 होगा एट द एंड ऑफ द दैट टाइम मैंने थर्ड ईयर के केस में. तो आप किस प्राइस में परचेज करना चाहते हैं एंड ऑफ द थर्ड ईयर इसलिए आप परचेज करना चाहते हैं. तो भाई डी जीरो इतना है तो डी वन कितना होगा 1.25 आप 8% से ग्रोथ मानते हैं तो ये डी टू कितना होगा 1.25 आप 8% से ग्रोथ मानते हैं तो ये डी थ्री कितना होगा 1.25 आप 8% से ग्रोथ मानते हैं तो ये आपके साथ डिविडेंड ऐसे मिलता चला जाएगा तो कितना हो जाएगा 1.35 यहां पे हो जाएगा इंटू 1.48 यहां पे हो जाएगा 1.57 यहां पे हो जाएगा. अब करंट मार्केट प्राइस निकालनी है तो इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालना पड़ेगा. अब यहां पे हम लिख सकते हैं कैलकुलेशन ऑफ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो एट द रेट ऑफ जो कॉस्ट ऑफ इक्विटी का जो रेट है वो क्या है आपसे बोली गई यहाँ पे 12% ए पार्ट में एट द रेट ऑफ 12% यहाँ पे आप ईयर लिखेंगे कैश इनफ्लो लिखेंगे प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर एट द रेट ऑफ 12% लिखेंगे यहाँ पे प्रेजेंट वैल्यू होगा एक साल दो साल तीन साल पहले साल 1.35 दूसरे साल 1.458 चौथे साल 1.57 प्लस 40 रुपीज उसका स्टॉक है तो 41.57 हो जाएगा. प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर 893 797 0.712. अब इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे 1.35 इंटू 0.893 तो 1.20555 ये हो गया 1.458 इंटू 0.797 1.162026 41.57 इंटू 0.712 29.59784 अब आपको कितना हो जाएगा रुपीज 31.965 आप इस प्राइस में स्टॉक को आज परचेज कर सकते हैं एज पर क्वेश्चन आप इस प्राइस में स्टॉक को आज परचेज कर सकते हैं. अब आपकी सेकंड क्वेश्चन क्या है ये आपकी 31.96 ये आपका आंसर आ गया. अब सेकंड क्वेश्चन क्या है इसी में बी पार्ट व्हाट इज द मैक्सिमम प्राइस यू शुड बी विलिंग टू पे फॉर द स्टॉक इफ यू बिलीव दैट 8% ग्रोथ रेट फॉर इनडेफिनेटली हमेशा के लिए 8% ग्रोथ रेट. तो बी पार्ट का आंसर हमेशा के लिए ग्रोथ रेट जब होता है तो आपका डी वन के ई माइनस जी हो जाता है. तो आपको यहाँ पे डी वन में क्या है 1.35 और कॉस्ट ऑफ इक्विटी 12% है तो 0.12 और 0.08 ग्रोथ रेट है तो इसकी प्राइसेस क्या हो जाएगा आपको यहाँ पे प्राइसेस क्या हो जाएगा
1.35 डिवाइड 0.4, ये आपको रुपीज 33.75 हो जाएगा, ये रुपीज 33.75 हो जाएगा। अब आपका सी पार्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, सी पार्ट, इफ द 8% रेट ऑफ ग्रोथ अचीव किया, व्हाट विल बी द प्राइस एट द एंड ऑफ ईयर थ्री, एंड ऑफ ईयर थ्री, एज्यूम दैट कंडीशन ऑफ पार्ट बी। उन्होंने कहा कि बी पार्ट में जो कंडीशन है वही है, लेकिन 8% ग्रोथ रेट होगा तो 3 साल के बाद प्राइस क्या होगा, 3 साल के बाद। अब सुनिएगा, उन्होंने कहा कि व्हाट विल बी द प्राइस एट द एंड ऑफ द ईयर थ्री, एंड ऑफ द ईयर थ्री, एज्यूमिंग द कंडीशन इन पार्ट बी, पार्ट बी का जो कंडीशन है हमेशा के लिए इन्फिनिटी होगा, तो प्राइस भी आपको यहाँ पे डिविडेंड में 8% का ग्रोथ होता जाएगा, डिविडेंड में 8% का ग्रोथ होता जाएगा, तो वही 8% की ग्रोथ के साथ जो मल्टीप्लाई करेंगे वही आपका प्राइस हो जाएगा। तो आज की प्राइस में 3 साल का ग्रोथ ले लीजिएगा, वही हो जाएगा आपका यहाँ पे, यहाँ पे फोर्थ ईयर का जो प्राइस हो जाएगा ये आपकी आ जाएगी। जैसे आप देखिए यहाँ पे, सुनिएगा, जैसे यहाँ पे डिविडेंड हमने थर्ड ईयर का निकाल लिया, अब डी फोर निकालेंगे आप, डी फोर, तो डी फोर आपका कितना हो जाएगा, डी थ्री 1+g, तो आपका डी थ्री कितनी है, 1. एंड ऑफ द थर्ड ईयर, तो यहाँ पे 1.57 1+0.08 ग्रोथ के साथ, तो कितना हो जाएगा 1.57 इंटू 1.08, तो ये हो जाएगा 1.6956। अब आप बताइए P3 D4 यहाँ पे KE-G 1.6956 होल डिवाइडेड बाई यहाँ पे 0.12 0.08, तो डिवाइड 0.04 करोगे तो आपका आंसर कितना हो जाएगा यहाँ पे 42.39। ये आपका सी का पार्ट का आंसर हो जाएगा। आप लोग को समझ आया होगा, ऐसे हम पार्ट क्वेश्चन किए, ठीक है ना बेटा, देख लीजिए आप पहले पार्ट का आंसर, ये तो करेक्ट है, दूसरे पार्ट का आंसर 33.75 और तीसरे पार्ट का आंसर 42.52। ये आपकी 42.52 या ये थोड़ा फ्रैक्शनल पार्ट से कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, ओके, थैंक यू क्लास, थैंक यू बेटा।